नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सिमी सूद, डायरेक्टर नीलकंठ हाइब्रिड ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स। आज हमारे साथ हैं दुर्गालाल जी और शांति और इनका बेटा हिमांशु। तो आपको यहाँ आज आप आए हमारे आईवी बेबीज कार्निवल में, तो बहुत खुशी है हमें। और आप बताएं कि कितने साल हो गए थे आपकी शादी को? 20 साल हो गए हमारी शादी को जब आप पर आए। और वहाँ पर यहाँ आईवीएफ किया तो आपको सफलता मिली, तो आज हिमांशु अभी कितने साल का है? ये इसको 9 साल चल रहा है। 9 साल। एंड मैंने बात करी थी अभी, तो 4th स्टैंडर्ड में है। 4th स्टैंडर्ड में। तो आपके लाइफ में क्या चेंज आया हिमांशु? बहुत ज्यादा मैडम मिला तो एक ही हमारे बोरियत हो गई थी पहले, तो लोगों को ताना सुन सुन के कि इनके सैलरी तो इतनी है, खाने वाला कोई नहीं है, घर की परिवार की समाज की बड़ी स्थिति ऐसी हो गई थी कि उदासी जगह थी। जो खुशी हमें मिली है शायद नीलकंठ हॉस्पिटल में, अखबार में पढ़ा था ना तो फर्स्ट टाइम है तो, और परेशानी तो मेरी भी थी, लोग कहते हैं कि पुरुषों में नहीं होती कमी, मेरी भी थी। जी, जी। मेरे नील शुक्रवार थे, किसी कारण से रुके हुए थे, मैं इनको भी गाठे हो रही थी बच्चेदानी में तो गर्भाशय में। तो आपके वहां आने के बाद में करीबन हमारे पास इतनी खुशी आ गई शायद भगवान का रूप है, तो यही स्थिति है हमारे पास। वरा लोगों को ताना सुन सुन का मतलब रोना करना वो सी स्थिति आने लगी थी हमारे पास, तो कि तुम्हारे तो प्यार पैसे इतने हैं पर खाने वाला तो कोई है ही नहीं। तो मेरे घर के मेरे मम्मी पापा तक कहने लग गए थे मेरे से कि तेरे तो कुछ नहीं है, कि तेरे कुछ नहीं होता तो बाज रहेंगे। तो गांव के ताने इतने सुनते घर के परिवार के, आज आपकी मेहरबानी है, नीलकंठ हॉस्पिटल की मेहरबानी है हमारे पास। तो जो आज हमारे पास हमारा बेटा है, 4th स्टैंडर्ड में पढ़ता है, देखो बहुत ही ज्यादा हालत खराब हो गई थी, और आज इस हॉस्पिटल की मैम की मेहरबानी है, आशीष जी सर की, मतलब पारिवार की तरह, मतलब इनका जो व्यवहार है स्टाफ का है मैम का है ना, पारिवारिक जैसे सब जाते हैं बड़े सौम्य तरीके से, जो उन समझ में आता है पढ़ के लिख के समझाते हैं कि आपको ऐसा होगा, ये इलाज होगा, और सबसे कम पैसों में सबसे कम खर्च में हमारा जो इलाज हुआ है, वरना जयपुर में हम बहुत लुट कर गए थे। और आपके यहाँ आने के बाद में ये खुशी मिली हमारे, तो आज हिमांशु बाबू सास्ता है। तो मैं ये कहना चाहूंगी कि जैसा कि इन्होंने बोला कि हमारे समाज में अभी भी निसंतानता को बहुत एक टैबू समझा जाता है, एक अभिशाप समझा जाता है, और सबका यही कहना होता है कि जैसे उन्होंने बोला कि कोई है नहीं आगे, आपका वंश कैसे चलेगा, इस तरह की बातें। और खासकर अगर पुरुष जो है उनको मतलब ये एक्सेप्ट करने में समाज तैयार नहीं है कि वो भी प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन आप ये देखें कि ये कपल ऐसा है जिसमें ये अपने आप से आगे चल के इन्होंने ट्रीटमेंट के लिए ऑप्ट किया, और उस चीज को एक्सेप्ट करने में शर्म नहीं है, क्योंकि ये एक बीमारी है, एक डिजीज है, और ये कोई ऐसी चीज नहीं है जिससे कि हमें इन कपल को अपने उनसे दूर रखा जाए खुशियों से। और आज हिमांशु के आने से इनकी लाइफ एकदम चेंज हो गई, और मैं बहुत खुश हूँ, और ये जानकर मुझे बहुत खुशी हो रही है कि हमारी वजह से आपकी लाइफ को चेंज आया, और हम आपके घर में भी खुश आ गए। लोगों की नहीं सुने, अपने दिल की सुने, नीलकंठ आईवीएफ को ही चुने।